हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ। इस रेसिपी का नाम है भुना खिचड़ी। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोविंद भोग राइस को और मूंग दाल को अच्छे से धोकर सुखा लेंगे पंखे के नीचे। उसके अंदर हम लोग डालेंगे हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड बादाम, और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, थोड़ी सी हरी मिर्च भी। और इस मिक्सचर को हमने एक घंटा पहले ही बना कर रख दिया है। और हाँ, थोड़ा सा सरसों का तेल भी इसमें मिक्स करके रखना है। अब हम लोग शुरू करेंगे बनाना। इसके लिए हम थोड़ा सा गर्म पानी कर लेंगे। पानी जब तक उबले ना, उसको ढक कर रखें। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा बैंगन को फ्राई कर लिया है, और ये आलू भी पहले से अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये खिचड़ी में जाएगा। अदरक पेस्ट खूब सारा, तेज पत्ते, लाल मिर्च सूखी, साबुत गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी। अब सबसे पहले हम लोग हांडी में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम लोग इसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और साबुत गरम मसाले डालेंगे। तेज पत्ता डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। अब गरम मसाले साबुत, अब डालेंगे अदरक का पेस्ट, अब चावल के मिक्सचर को भी डाल देंगे इसमें। अब हमें अच्छे से तेल में इस राइस को फ्राई करना पड़ेगा। अच्छे से तेल में फ्राई करें। अब हम लोग गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर से जब ये पानी सूख जाएगा, हम फिर से गर्म पानी डालेंगे। भुना खिचड़ी का मतलब ही होता है एकदम ड्राई। अब पूरा पानी सोख चुका है ये, अब हम फिर से थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ये पकता जाएगा उसी तरह से। जब पानी डालते डालते हम लोग देखेंगे कि चावल पक चुका है, फिर हम लोग इसको पानी देना बंद कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दें इसमें। अब देखिए, पानी भी सूख चुका है और चावल भी पक चुके हैं, तो इस बार हम लोग पानी नहीं डालेंगे। और जो थोड़ा सा पानी है वो अपने आप सूख जाएगा। हम लोग गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और जो गर्म पानी का पतीला है वो हांडी के ऊपर बिठा देंगे। अब देखिए, पूरा पानी सूख चुका है और खिचड़ी भी पक चुकी है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके कुछ देर हम लोग गर्म पानी के पतीले के ऊपर हांडी को बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, घर में ट्राई कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।